किर्गिस्तान का आप ई वीजा किस तरह हासिल कर सकते हैं, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और उसका वीजा प्रोसेसिंग टाइम क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड ब्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड ब्लॉग्स साथ मैं हूं आपका दोस्त जिशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे जो भी ब्लॉग हो, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाई टाइम पहुँच सके। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे किर्गिस्तान विजिट वीजा के बारे में। किर्गिस्तान वीजा हासिल करने के लिए कोई इतने लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते, 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स सही होते हैं जिसकी बेस पर आप किर्गिस्तान का वीजा हासिल कर सकते हैं। किर्गिस्तान का विजिट वीजा हासिल करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिसकी बेस पर आप वीजा हासिल कर सकते हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होगा तो ना आप स्टिकर वीजा हासिल कर सकते हैं ना आप ई वीजा हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसका ई वीजा आप कैसे हासिल कर सकते हैं और इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है। किर्गिस्तान का ई वीजा हासिल करने के लिए 3 से 4 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और वो भी स्कैन की सूरत में चाहिए होते हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट आता है, पासपोर्ट आपका 6 महीने वैलिड होना चाहिए और क्लियर तरीके से स्कैन होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका आई डी कार्ड आता है, आई डी कार्ड का फ्रंट और बैक स्कैन होना चाहिए। उसके बाद आपकी पिक्चर आती है व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, 35x45 साइज की पिक्चर होती है जेपीजी की सूरत में। जो एक बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट्स है जो आपने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था, वो डॉक्यूमेंट्स है LOI। LOI बेसिकली कहते हैं लेटर ऑफ इनविटेशन को। लेटर ऑफ इनविटेशन आपको वहां से मंगवाना पड़ता है किर्गिस्तान से। किर्गिस्तान का इनविटेशन लेटर या तो वहां से आपको कोई ट्रेवल कंपनी दे सकती है, अदरवाइज वहां से आपको कोई रिलेटिव है, कोई ब्लड रिलेशन है, वो वहां से आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। इस तरह आपको वहां से लेटर ऑफ इन्विटेशन हासिल करना पड़ता है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स और जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, लेटर ऑफ इन्विटेशन चाहिए होता है, उसके बगैर आप वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। इन 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स के बाद आप अपना वीजा अप्लाई करते हैं। जो ई वीजा होता है वो 90 डेज वैलिड और 30 डेज आपको ड्यूरेशन ऑफ स्टे मिलता है। जहां तक बात इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है, किर्गिस्तान का जो वीजा प्रोसेसिंग टाइम है 5 से 7 वर्किंग डेज बनते हैं। अगर आप उनको नॉर्मल डेज में काउंट करते हैं तो 7 से 10 डेज बनते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होता है, सैटरडे संडे वर्किंग डेज नहीं होते, तो आपके 7 से 10 डेज लगते हैं। उसके बाद आपका वीजा का डिसीजन हो जाता है। अगर आप स्टिकर वीजा हासिल करते हैं तो आपको लेटर ऑफ इनविटेशन, अपना पासपोर्ट, अपना आईडी कार्ड, पिक्चर्स और कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या कोविड वैक्सीनेशन कार्ड और सोर्स ऑफ इनकम को 1-2 डॉक्यूमेंट से बैंक आप लेकर जाना चाह रहे हैं तो आप पर्सनल अपेयरेंस पे मैसेज जाएंगे और वहां पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। ई वीजा आपको ईमेल पे आता है तो आप उसका प्रिंट निकालते हैं, और स्टिकर वीजा आपके पासपोर्ट के ऊपर प्रिंट किया जाता है, स्टिकर किया जाता है, उसको आप स्टिकर वीजा कहते हैं। जहां तक बात इसके लिए अप्रूव्ड वैक्सीनेशन कौन सी है, WHO से जो अप्रूव्ड वैक्सीनेशन है जिसमें आपकी फाइजर, मेड्रोना, एस्ट्राजेनेका, साइनोफार्म और साइनोवैक वैक्सीनेशन शामिल है। इन 4 से 5 वैक्सीनेशन में से कोई भी अप्रूव्ड वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन कार्ड है तो आप वो अपने डॉक्यूमेंट्स में अटैच करेंगे, क्योंकि वो भी कंफर्म चाहिए होता है। इस तरह आप किर्गिस्तान का विजिट वीजा हासिल कर सकते हैं। अगर आप किर्गिस्तान या किसी भी कंट्री का विजिट वीजा हासिल करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में जरूर आगाह कीजिएगा, या तो स्क्रीन पर या कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होलीडेज प्राइवेट लिमिटेड इस्लामाबाद DGO का हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रेवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।